हमीरपुर में एनयूजे की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एनयूजे के अध्यक्ष पंकज भारती द्वारा की गई। बैठक में सुजानपुर, भोरंज, लद्रोर और बड़सर उपमंडल में नई कार्यकारिणी का गठन करने के बारे में चर्चा की गई और बैठकों के आयोजन की तिथि तय की गई। बैठक के दौरान एनयूजे के कई सदस्य मौजूद रहे। एनयूजे के अध्यक्ष पंकज भारती ने कहा कि बैठक में विभिन्न उपमंडलों में चुनाव होना है, जिसके संदर्भ में बैठकों की तिथियों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो चुनाव करवाए जाएंगे, अन्यथा सर्वसहमति से ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। देखिए, आज हमारी मासिक बैठक हुई, जिसमें सभी कुछ कार्यकर्ता जो थे वो ऑटो स्टेशन से उनसे फोन के ऊपर उनको लाइव दिया गया। और बैठक में जो विभिन्न उपमंडलों में हम चर्चा कर ही रहे थे पिछले कुछ समय से, और हमने प्रोसेस स्टार्ट भी कर दी थी, तो अब उनकी अंतिम जो बैठकें और या वहाँ उन बैठकों में चुनाव होना है उसके संदर्भ में तिथियों की घोषणा आज कर दी गई है और ये सभी को सूचित भी कर दिया है। सबसे पहले सुजानपुर उपमंडल में 25 जुलाई को जो है वो बैठक तय की गई है। नदौन उपमंडल की 26 जुलाई को है, फिर बड़सर उपमंडल की 1 अगस्त को है और भोरंज उपमंडल की 2 अगस्त को बैठक रहेगी। इसके बाद हमीरपुर जो उपमंडल है उसकी जो है वो 14 अगस्त को बैठक रहेगी। तो इन सभी बैठकों में यदि आवश्यकता पड़ी तो चुनाव करवाए जाएंगे, नहीं तो हमारा अधिकतर जगह यही प्रयास रहेगा कि सर्वसहमति से ही जो है वो हम अपनी नई कार्यकारिणी का गठन उन उपमंडलों में करते हैं। इसके पश्चात हम जिला की जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार करेंगे। महासचिव अनिल शर्मा जी सारे प्रोसेस को देख रहे हैं और वही इस सारे कार्यक्रम में जो है वो सदस्यता अभियान के लिए जसवीर जी भी साथ में रहेंगे और इनकी दोनों की जो टोली है उसका जो सहयोग करेंगे वो अपने कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं रणवीर जी और हमारे इस जिला से जिनका चयन हुआ है राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी के लिए श्री दिनेश कंवर जी, उन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान इस सारे कार्यक्रम के दौरान रहेंगे।